subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. Hi my lovely stars and angels, welcome to Adda 24/7, government job in your pocket. कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? सुबह 5 बज गए हैं और जल्दी से आप सुबह सुबह उठ जाइए, भगवान का नाम ले लीजिए और मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नए यूनिक idioms और phrases, peculiar English में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज पहला वर्ड है काउच पोटैटो, इसका मीनिंग देखेंगे। काउच का अगर मैं बात करूँ, पोटैटो का मीनिंग होता है क्या? आलू होता है। लेकिन काउच पोटैटो जो होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो कुछ भी काम नहीं करता, सारा दिन एक सोफे पर बैठा रहता है, सारा दिन सोफे पर बैठा रहेगा और क्या करे, टीवी देखता रहता है। ऐसे ऐसे आप लोगों ने भी देखा होगा घर में, ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठ जाते हैं, कुछ काम नहीं करते, खाते रहते हैं और टीवी को देखते रहते हैं। अगर कोई ऐसा आदमी अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है टीवी को देख देख के, कुछ नहीं काम कर रहा है, तो ऐसे ऐसे इंसान को बोल देते हैं ही इज़ अ काउच पोटैटो। तो कंप्यूटर महोदय जरा एक बार इसका आंसर दिखाएंगे जल्दी से बच्चों को। ए पर्सन हु टेक्स नो एक्सरसाइज बट स्पेंड्स वॉचिंग टीवी, ही इज अ काउच पोटैटो। इसका जरा पिक्चर भी दिखा देंगे, ही इज अ काउच पोटैटो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वर्ड अच्छा लगा होगा और कई बार ये वर्ड आप लोगों का idioms and phrases में SSC के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो काउच पोटैटो क्या हुआ? एक ऐसा इंसान जो कोई एक्सरसाइज नहीं करता और सिर्फ टीवी देखता रहता है सारा दिन सोफे में बैठ के, तो ही इज अ काउच पोटैटो। फर्स्ट वर्ड हमारा हुआ ये। सेकेंड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारा क्रैक पॉट। अब पॉट आपने सुना हुआ है, कोई भी मटका होता है वो यू कैन से अगर वो क्रैक हो रखा है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रैक पॉट बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर जरा एक बार इसका मीनिंग दिखाएंगे, तो क्रैक पॉट का मीनिंग होता है ए पर्सन विद मैड आइडियाज। अगर कोई इंसान पागल आइडिया रखता है, कोई इंसान बेवकूफ भरी बातें करता है, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? क्रैक पॉट। जैसे हर बॉस इज अ कंप्लीट क्रैक पॉट। आपने देखा ही होगा पिक्चर ही मैंने ऐसे लगा दिया कि आपको जिंदगी में कभी क्रैक पॉट नहीं भूलेगा। तो ऐसा कोई इंसान जो पागल पागल बातें करता हो, मैड आइडिया रखता हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? क्रैक पॉट बोलते हैं। चलते हैं अपने थर्ड तीसरे वर्ड की तरफ। जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है हमारा एग हेड। अब आप सोचोगे सर क्या क्या बताते जा रहे हो, क्योंकि ये यूनिक है इसीलिए मैं आप लोगों के सामने यूनिक ही idioms, यूनिक ही फ्रेजेस लेके आता हूँ, क्योंकि इस शो का नाम ही यूनिक है और ये सुबह यूनिक टाइम पे आता है और यूनिक ही इसका ड्यूरेशन है। सिर्फ 3 से 4 मिनट आप लोगों को मुझे देने हैं, शुरू से एंड तक आप लोगों को इस वीडियो को देखना होता है, तब आपको लगेगा कि हाँ धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के इकट्ठे हो जाएंगे। तो एग हेड का मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज़ हाईली एजुकेटेड। जो आदमी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा लर्नड होता है, ऐसे ऐसे इंसान को बोलते हैं एग हेड। शी इज़ अनडाउटेडली एन एग हेड। आप इसको बोल सकते हो, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसके लिए हम एग हेड वर्ड का यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग एग हेड बनना चाहते हो या आप लोग क्रैक पॉट बनना चाहते हो? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितना इसको शेयर करेंगे उतना स्टूडेंट्स के पास ये रीच में जाएगा और बच्चे इसको लाइक करेंगे और मुझे भी फिर अच्छा लगेगा। तो गाइज अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए SSC अड्डा, उड़ा देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।